कश्मीर के बड़गाम जिले में हुए आतंकी हमले में एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर और उनके भाई की मौत हो गई है। रविवार को दोनों की अंतिम विदाई के मौके पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान सभी की आंखों में पानी और चेहरे पर मायूसी थी। बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सब दोनों भाइयों के आखिरी दीदार के लिए आए हुए थे। सभी ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी, लेकिन साथ ही साथ ये भी संदेश दिया कि घाटी में आतंकवाद उन्हें अलग नहीं कर सकता, ना ही लोगों के बीच की एकता को तोड़ सकता है। शनिवार को आतंकियों ने दोनों भाइयों पर घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। इसमें गंभीर रूप से घायल एसपीओ इशफाक अहमद दार शनिवार को शहीद हो गए। वहीं एसपीओ के भाई उमर अहमद दार ने स्किम्स अस्पताल में रविवार को दम तोड़ दिया। हमले के बाद खून से लथपथ होकर दोनों के जमीन पर गिरने के बाद आतंकी मौके से भाग निकले थे। घटना के तत्काल बाद पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है और आतंकियों की तलाश लगातार हो रही है। हमले के लिए लश्कर ए तैयबा का हेड स्क्वाड कहे जाने वाले आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को जिम्मेदार माना जा रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने बलिदानी इशफाक अहमद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि गंभीर रूप से घायल बलिदानी का भाई उमर जल्द स्वस्थ होकर घर लौटे, वो इसकी कामना करते हैं। इस आतंकी हमले के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आतंकियों और उनके समर्थकों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। घटना में शहीद हुए एसपीओ के परिवार के प्रति पूरी सहानुभूति है। बताया जा रहा है कि आतंकियों का इरादा पूरे परिवार को मौत के घाट उतारना था। आतंकियों ने अन्य दो भाइयों को घर में न पाकर इशफाक और उमर को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने जब इसका विरोध किया तो आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। इशफाक और उमर दोनों ही जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े। उन्हें मरा समझकर आतंकी वहां से फरार हो गए। आतंकियों के जाने के बाद उनके परिजनों ने पुलिस को सूचित किया और पड़ोसियों की मदद से दोनों को उपचार के लिए जेबीसी बेमिना अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने एसपीओ इशफाक अहमद को बलिदानी करार दे दिया। उनके छोटे भाई उमर जान की हालत नाजुक बनी हुई थी, लेकिन आज सुबह उनकी भी मौत हो गई। आपको बता दें कि दोनों भाइयों के अंतिम विदाई का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, क्योंकि लोगों के बीच जो आक्रोश आतंकियों को लेकर है वो साफ साफ इस वीडियो में नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।